माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड, सांस्कृतिक संध्या में शिरकत करने के लिए परिसर में पधार रहे हैं। आप सभी से निवेदन कि जब राज्यपाल महोदय पंडाल में पहुंचे तो आप खड़े होकर उनका अभिवादन करें, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं संस्कृति विभाग से डॉक्टर कंचन नेगी को आमंत्रित करता हूं। वसंतोत्सव कार्यक्रम 2022 की सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त एवं ऑनरेबल लेडी गवर्नर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एक बार जोरदार तालियां। अनुरोध करना चाहूंगी सचिव संस्कृति विभाग उत्तराखंड श्री हरिचंद्र सेनवाल जी से कि वे पुष्पगुच्छ देकर माननीय राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ में अनुरोध करूंगी निदेशक संस्कृति विभाग सुश्री रीना भट्ट जी से कि वे ऑनरेबल लेडी गवर्नर जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आज के लिए सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक बार जोड़ना तालियां ऑनरेबल लेडी गवर्नर जी के लिए। मैं अब अनुरोध करना चाहूंगी माननीय राज्यपाल जी से और ऑनरेबल लेडी गवर्नर जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर शुभम करोते कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। आ गया बसंत है, छा गया बसंत है, मस्ती का रंग भरा, मौज भरा मौसम है, फूलों की दुनिया है, गीतों का आलम है, मस्ती का रंग भरा, मौज भरा मौसम है। आज के इस बसंतोत्सव कार्यक्रम 2022 में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भारत में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहारों की अपनी एक कहानी है, जिसे मनाकर हम उस कहानी को जीवन करने का काम करते हैं। हर त्योहार में एक अच्छा संदेश छिपा होता है, जिससे हर व्यक्ति को प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। उत्तराखंड राज्य में त्योहारों की विविधता भी देखने को मिलती है और यहाँ पर हर महीने त्योहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, नवरात्रि जहाँ बाकी राज्यों की तरह आम है, वहीं यहाँ स्थानीय त्योहार जैसे फूलदेई, हरेला, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, घी संक्रांति भिटोला मुख्य हैं। हरेला हर साल सावन के महीने मनाया जाता है, वहीं भिटोली भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और वहीं हमारे राज्य में मनाया जाता है बसंतोत्सव, जिसकी झलकियां आज के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में आपको दिखने को मिलेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम मांगल गीत से। देवभूमि उत्तराखंड में मांगलिक कार्यक्रमों, धार्मिक अनुष्ठानों, जनेऊ संस्कार हो चाहे विवाह संस्कार हो, नामकरण आदि अनेकों अनुष्ठानों में यहाँ के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत को मांगल गीत कहते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे प्रस्तुति हेतु हमारे कलाकार तैयार हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम कलाकारों का प्रोत्साहन करेंगे।
बसंत ऋतु की बात है, बसंत उत्सव मनाया जा रहा है, तो बसंत के ऊपर एक सुंदर प्रस्तुति करने जा रहे हैं संगम सांस्कृतिक समिति देहरादून से। और आपको बता दें क्योंकि आज 8 मार्च है, महिलाओं का दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, हमारे बीच में हमारी लेडी गवर्नर मैडम है और जितनी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, जितने यहाँ पे सेक्रेटरी मैडम्स यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे ऑफिशियल मैडम्स उपस्थित हैं, इस सभा में जितनी भी महिलाएं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इमेजिन अ जेंडर इक्वल वर्ल्ड, अ वर्ल्ड फ्री ऑफ बायस, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, a world that is diverse, equitable and inclusive, a world where difference is valued and celebrated. Together we can forge women's equality and collectively we can all break the bias. And thus today the entire globe is celebrating International Women's Day. Aaj 8 March 2022 antarrashtriya star pe mahilaon ko samman dene ke liye manaya ja raha hai aur mujhe lagta hai isse behtar aayojan kahin ho nahi sakta. माननीय राज्यपाल महोदय को और लेडी गवर्नर मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां कि आज का दिन उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए चुना, महिलाओं के सम्मान के लिए ये है। आम जनता यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में आप आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है जेंडर इक्वालिटी टूडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। और मैं अपने कलाकारों से अनुरोध करूँगी कि वे अगली प्रस्तुति के लिए मंच पर आ जाए। Thank you.
कला, संस्कृति और लोक विधाओं में एक संपन्न प्रदेश है। हमें गर्व है कि हम उत्तराखंडी हैं। यहाँ की लोक विधाओं और परंपराओं ने उत्तराखंड की बरसों से चली आ रही जानकारियों को सहेजने का काम किया है। उन्हीं लोक विधाओं में आता है उत्तराखंड का लोक नृत्य, जो हम सभी के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जा रहा है कलाकारों द्वारा। उत्तराखंड के लोक नृत्य न सिर्फ उत्तराखंड वासियों के सामाजिक सौहार्द को उजागर करता है, बल्कि इसमें प्रकृति प्रेम की भी साफ साफ झलक दिखाई देती है। तो मैं आशा करूंगी कि आपको अगली प्रस्तुति भी इसी प्रकार से पसंद आएगी जिस प्रकार से आपको अभी बाकी की प्रस्तुतियां पसंद आई हैं। होली का त्यौहार निकट है, सभी से गुजारिश करके एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि खुशियों का त्यौहार आने वाला है। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी सांस्कृतिक संध्या में प्रतिभाग कर रहे हैं, और होली की जो खुशियां हैं वो हम सभी को यहाँ से भी मिल रही हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भारत में रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन संगीत के बीच एक दूसरे पर उल्लास और उमंग के साथ रंग फेंका जाता है, मिष्ठान खाए जाते हैं, तरह तरीके के पकवान बनाए जाते हैं और दुश्मन भी गले मिलते हैं इस त्यौहार के लिए। उत्तराखंड की बात करें, होली की बात करें, तो कुमाऊनी होली सबकी जुबान पे रहती है। ये चर्चा को हम जारी रखेंगे। प्रस्तुत है आपके सामने अगली प्रस्तुति। Thank you.
बैठकी होली और खड़ी होली। बैठकी होली रात रात भर चलती है और पौष मास के प्रथम रविवार से बैठकी होली का गायन शुरू हो जाता है। अष्टमी को देवी मंदिर में होली गाई जाती है। संध्या के पश्चात जैसे जैसे रात निकट आने लगती है, गहराने लगती है, उस समय कलश होली गायन की बैठक शुरू करते हैं। बैठक में राग के आधार पर ही गायन किया जाता है और सायकालीन राग से बैठक का मान रखा जाता है और सुबह भैरवी राग गाते ही बैठक समाप्त की जाती है। होली गायन में बसंत पंचमी से कार्तिक वर्णन के गीतों की प्रमुखता रहती है। आपको बता दें कि होली का जो त्यौहार है वो कुमाऊं में महिलाओं के बीच में बहुत अधिक मशहूर है। महिलाओं की होली बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही ऋतु का आगमन होता है महिलाओं की होली शुरू हो जाती है। इसमें महिलाएं ढोलक मजीरा के साथ होली गाती हैं और इस दौरान फिल्मी और क्षेत्रीय गानों का भी चलन शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि वही सुहाग और खादर विधा भी प्रख्यात है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके सामने अगली प्रस्तुति जो है उसका नाम है झेटा नृत्य, जो कि जौनसा बाबर की एक बहुत ही विख्यात ये नृत्य है, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान में महिलाओं के ही द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और खासतौर पर विश्व एवं पूरी दीपावली के उपलक्ष्य पर महिलाएं इस नृत्य को करती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे कलाकारों का। Thank you.
के संग मुश्किल बाजी